रहेगा ना। यस, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोलो मत अभी, कोई बात नहीं, आओ शाबाश। ठीक है, कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, आइए शाबाश, मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ। हमारे पास क्या है, लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज। यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के साथ। तो हमें क्या करना है, फिक्स चार्ज फोर फर्स्ट थ्री डेज एक्स रुपीज एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। ठीक है, एक्स्ट्रा चार्ज पर डे इज वाई रुपीज। हमें कुछ करना ही नहीं है, जैसे जैसे लैंग्वेज दे रहा है वैसे वैसे ही हमें आगे बढ़ना है, हम इससे आगे गए ही नहीं अभी तक। एक्चुअली होता है कि आप जरा डेली लाइफ में सोच के देखो, आप स्कूल में रहते हो माशाल्लाह से, आपके लाइब्रेरी कार्ड्स बने हुए हैं, लाइब्रेरी फैसिलिटी आपको मिलती है बेटे। अब आप खुद कंसिडर करिए कि जो लाइब्रेरी की फीस होती है वो तो आपकी फीस में पे हो गई साल में। ठीक है, कुछ भी एक्स वाई जेड 200, 500, 1000, 2000 आपकी लाइब्रेरी की कॉस्ट है, वो सेशनल एनुअली या कभी मंथली भी हो सकती ली जाती है। लेकिन वहां पे क्या होता है, आपको जो लाइब्रेरी की बुक इश्यू होती है वो कितने दिन के लिए इशू होती है, नॉर्मली 5 डेज 7 डेज के लिए होती है, 1 वीक के लिए, है ना जी सर। ठीक है, तो आपकी जो लाइब्रेरी की जो आपने फीस दी है ना बेटे, वो 7 डेज के लिए गिवन है। अब सपोज करो अगर आप बाद में देते हैं तो वहां पे फाइन होता है जी, और सपोज करो 10 रुपीज पर डे है वो। ठीक है, सिर्फ इसलिए होता है कि भाई आप टाइम से जमा करो, अदरवाइज स्कूल को फाइन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बट टाइमली आप रिटर्न कर दें। अब मुझे बस एक सब बच्चे जरा सोच के बताएं, अगर मैंने 10 दिन में के बाद बुक रिटर्न करी है आफ्टर 10 डेज तो मुझे फाइन कितने दिन का देना होगा, 100 टोटल 500 होगा। ये तो गलत कर रहे हो, अब आप कह रहे हो 100 होगा, कितनी गंदी बात कर रहे हो आप बेटे। आपकी जो लाइब्रेरी ऑलरेडी 7 डे के लिए दे रही है और आपने रिटर्न किया है 10 डेज में, सब बच्चों को समझ में आ गई बात, 10 डेज का फाइन नहीं लगेगा बेटे। फाइन जो है बेटे वो 10 डेज का नहीं लगता, फाइन लगता है कितने दिन आपने एक्स्ट्रा रखा, तो फिर वो लगेगा 3 डेज का। यस सर नो? यस सर। तो यहाँ भी क्वेश्चन में यही करना था बेटे, आपसे क्या कह रहा था, आपसे कह रहा था कि जो फिक्स चार्ज है वो फर्स्ट 3 डेज के लिए है। तो अगर आप बेटे 7 डेज के लिए अपनी बुक रख रहे हो तो फाइन कितने दिन का लगेगा बताओ? 4 डेज का। यस, फाइन आपका बेटे सिर्फ 4 डेज का लगेगा। समझ में आ गया? यस सर। दैट्स इट। तो यही लॉजिक था बस इस क्वेश्चन में, 7y नहीं करना था बेटे, 4y करना था। तो चार्जेस 4 7 डेज। अब 7 डेज में से बेटे 3 डेज माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा एक्स प्लस 4y और उसने पे किए थे 27 रुपीज और फिर 5 डेज के लिए चार्जेस 4 5 डेज। तो 5 डेज में से 3 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा, 2 डेज। 2 डेज तो एक्स प्लस 2y। यस और नो? यस सर। दैट्स इट। ये बेटे ध्यान रखना, इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर सकते हैं, हो गया क्वेश्चन पूरा। इसका सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बेटे, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2y इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू, लेकिन क्या करते हैं सबको, 3 रुपीज। 3 को 1 में रख दीजिए, x इक्वल्स टू 6, 3 4 12। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, 27 माइनस 12 कितना होता है, 15। तो आपके पास फिक्स चार्ज कितना हुआ, एग्जाम में फाइनल लिखना है फिक्स चार्ज 15 रुपीज, एक्स्ट्रा चार्ज पर डे 3 रुपीज। यस,
3 रुपीज पर डे। समझ में आ गया सब बच्चों को? आ गया। तो आप सब बच्चे प्लीज कोशिश करेंगे, प्लीज कोशिश करेंगे 3.4 तक करने की। 3.4 में सिर्फ 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं, एक क्वेश्चन मजाक वाला है, मतलब उसमें कोई लॉजिक नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं तो ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। एक क्वेश्चन है 2 डिजिट वाला, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो 2 डिजिट वाला क्वेश्चन मैं कराऊंगा। लेकिन ये वाला क्वेश्चन आप अगर जैसे मैंने आपको कहा है वर्ड बाय वर्ड पढ़ने के लिए,